मेरे बच्चे का भविष्य अंधकार में क्यों जा रहा है महाराज? अब आप ही आके राह दिखाओ, विवेक की रक्षा करो। तो भाई लोग OMG2 मैंने देख लिए, और इंडिया में सेक्स एजुकेशन के ऊपर फिल्में बनना ना के बराबर होती है, पर इस मुद्दे पर पहली बार फिल्म बनाई गई है जो ओ माई गॉड 2 है। जिस तरह OMG2 के मेकर्स ने फिल्म के ऊपर बारीकी से काम किया है वाकई में तारीफ के लायक है। और अक्षय कुमार का इस फिल्म में ज्यादा सीन नहीं है, एक कैमियो जैसा लगता है, पर जितना भी है बहुत ही मीनिंगफुल है। जिस प्रकार अक्षय कुमार शिव के परम भक्त कांति शरण की मदद करते हैं, ये साबित करता है कि भगवान की पूजा करना कोई गलत नहीं है और आस्तिक होना कोई गलत नहीं है। भले ही इस फिल्म की कहानी काल्पनिक हो, पर इस फिल्म में दिखाया गया मुद्दा समाज का वह आईना है, समाज के उस सच को दिखाता है जो कभी भी हम लोग सेक्स एजुकेशन के बारे में अपने पेरेंट्स के सामने कभी बात नहीं कर पाते हैं। मानते हैं इस फिल्म को ई सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ एक बार इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सेक्स एजुकेशन के अभाव में बच्चे खुद को नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें कोई समझने वाला नहीं होता है, जिस वजह से वह गलत कदम उठा लेते हैं। और OMG2 फिल्म इसी बात को उठाती है कि हमारे स्कूल में सेक्स एजुकेशन क्यों नहीं है, इसके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। और यह फिल्म देखने के बाद आप बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कुछ बातें आपके दिमाग में चलती तो है, लेकिन हम वह सारी चीजें दुनिया के सामने नहीं कह पाते हैं, लेकिन इस बात को छुपाने के चक्कर में हम उजागर जरूर कर देते हैं। तो चलिए बात करते हैं फिल्म की कहानी की। तो पूरी फिल्म में ज्यादातर पंकज त्रिपाठी को ही दिखाया गया है, और अक्षय कुमार का टाइमिंग के हिसाब से अपने कैरेक्टर के साथ बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। जो भगवान शिव के परम भक्त कांति शरण जब मुश्किल में पड़ जाते हैं, एक साधारण आदमी अपने परिवार और बच्चों को देखभाल करने वाला पिता, जब उसके बेटे के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से उसे न चाहते हुए भी दुनिया से लड़ना पड़ता है, तभी कांति शरण के बेटे का उसके स्कूल से एक अश्लील वीडियो लीक हो जाती है और इसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। इस वजह से कांति शरण का बेटा विवेक शर्म से अपने ही नजर में गिरा हुआ महसूस करने लगता है, क्योंकि समाज के लोग उसे हीन भावना से देखने लगते हैं। इसलिए विवेक कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश करता है, और फिर अपने बेटे को परेशान देखकर कांति शरण कुछ जटिल निर्णय लेते हैं और बेटे को न्याय दिलाने के लिए स्कूल प्रशासन और अन्य लोगों के खिलाफ केस मुकदमा दर्ज करा देते हैं। जो इनकी इन सब चीजों में मदद करने के लिए शिव के दूत बनकर अक्षय कुमार आते हैं और हिम्मत और साहस बढ़ाकर कांति शरण की मदद करते हैं। तभी न्याय के लिए कांति शरण कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, जो वकील के रूप में पंकज त्रिपाठी के खिलाफ लड़ते हुए यामी गौतम दिखाई देती है, और निगेटिव रोल में यामी गौतम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। उनकी एक्टिंग बहुत ही नेचुरल लगी, और पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग की अगर बात करें तो उनकी इमोशन, कॉमिक टाइमिंग और डायलॉग डिलीवरी सब कुछ बेस्ट है। इसमें कोई शक नहीं है कि पंकज त्रिपाठी वेब सीरीज और फिल्मों के लिए बेस्ट एक्टर माने जाते हैं। ये जिस फिल्म में होते हैं वो फिल्म बहुत ही कमाल की होती है। फिल्म के गाने की बात करें तो यह फिल्म एक सामाजिक मुद्दे पर बनाई गई है, इसलिए इसके गाने मांस मसाला की तरह नहीं है, हाँ पर सीन के हिसाब से गाना सुनने में अच्छा लगता है। ओवरऑल जितनी भी इस फिल्म के बारे में अफवाह उठी थी कि यह फिल्म एक अडल्ट फिल्म होगी, तो कुछ ऐसा नहीं है, जहाँ तक एक समाज को अच्छा मैसेज देता है। जब मैंने इस फिल्म को देखा तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इस फिल्म को हर तबके के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स अपने बच्चे के सामने सेक्स एजुकेशन पर बातें करने से हिचकिचाते हैं, जो इस फिल्म को देखने के बाद सभी डाउट क्लियर हो जाते हैं। वैसे तो फिल्म के मेकर चाहते थे कि फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिले ताकि सभी लोग देख पाए, पर इन बेचारों की क्या ही गलती थी, फिल्म बनाते बनाते बीमार पड़ गया और सेंसर बोर्ड ने इंजेक्शन लगा दी और सारा मामला शॉर्ट आउट हो गया। बाकी आपको फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।